दोस्तों, ये महिंद्रा की पिकअप है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब भी गाड़ी हम लोड में उठाते हैं तो गाड़ी वाइब्रेट करती है। उसके बाद में तो गाड़ी चलते टाइम कोई दिक्कत नहीं आती, उठाते टाइम वाइब्रेट करने लग जाती है। देखेंगे, गेयर बॉक्स उतारा हुआ है, देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। क्लच प्लेट खोलूँगा, क्लच प्लेट भी एकदम नया है और ओरिजिनल भी है, मसल का। ठीक है, 13 mm के बोल्ट है। बढ़िया, बोल्ट खोल के देखेंगे, बुश में दिक्कत है, क्लच प्लेट में दिक्कत है, प्रेशर प्लेट में दिक्कत है, या फ्लाईव्हील में दिक्कत है। तीन चीज़ों में दिक्कत आने से ही ये प्रॉब्लम आती है। फाइंड आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। गाड़ी को फंसाया गया है। देखिए, 4 मंथ पहले बोला अगले ने, मैंने नहीं डलवाई है, लेकिन कंडीशन देखिए, रेत में फंसने की वजह से ये दिक्कत आ जाती है। प्रेशर प्लेट का कबाड़ा, क्लच, सॉरी फ्रेंड्स, क्लच प्लेट का एकदम कबाड़ा कर रखा है इसने। ये देखिए, पूरी की पूरी बुश देखेंगे और फ्लाई व्हील भी दिखाऊंगा मैं आपको। प्रेशर प्लेट तो लगभग सही है, लेकिन क्लच प्लेट ख़त्म है इसका। फ्लाई व्हील देखिए, ये इधर से नाखून अटक रहा है इसकी, ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। ठीक है, ये साथ में बुश भी चेंज करवा देना। ज़्यादा प्रॉब्लम कभी कभी इससे आ जाती है, ये ढीली रहती है टाप में, तो ये वाइब्रेट करने लग जाती है, और हमारी भाषा में बोलते हैं, मारवाड़ी में, गाड़ी धड़धड़ा रही है। ये देखिए, पूरा का पूरा खराब है। फ्लाई व्हील खोलेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लच प्लेट के बोल्ट और फ्लाई व्हील के बोल्ट, फ्लाई व्हील खोल दिया, अब कंडीशन एकदम बढ़िया तरीके से दिखेगी। देखिए, सरफेस एकदम ख़राब हो गई फ्लाई व्हील की। इसको टर्न कराएंगे, ये पॉलरी निकल के बढ़िया लेथ मशीन पे तैयार होके आएगा, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और ये यहाँ पे बूस आती है पीतल की, वो भी चेंज कर देंगे। तीनों डाउल बाहर निकाल, बढ़िया सरफेस एकदम बराबर हो जाएगी। अभी मशीन पे लग गया, ठीक है। क्लच प्लेट का कंडीशन खराब था, प्रेशर प्लेट लगभग ठीक थी। MSL का ओरिजिनल क्लच प्लेट हमने स्टॉल कर दिया इसमें, और बुश है इसमें, वो भी नहीं इंस्टॉल कर दी। अब प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। ठीक है दोस्तों, और ये वाले फिंगर है प्रेशर प्लेट के, सारे बराबर रहने चाहिए, ऊपर नीचे कभी नहीं रहने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। थैंक यू फ्रेंड्स। अब गेयर बॉक्स में इंस्टॉल कर देंगे।